इंस्टाग्राम का एक और वायरल VFX ट्रेंडिंग रील जो काफी ज्यादा वायरल चल रहा है। तो वीडियो को शूट कैसे करना है, वीडियो को एडिटिंग कैसे करना है, कौन से ऐप से एडिटिंग करने वाला हूँ, सारा कुछ वीडियो पे बताऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते रहो। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि मॉडर्न को कुछ इस तरह से एक्टिंग करने को बोल देना है, और वीडियो को शूट होने के बाद तो जिस ऐप का हम लोग यूज़ करने वाले हैं उस ऐप का नाम है कैपकट। तो सिंपली से कैपकट ऐप को ओपन कर लेना है और अपनी शूट की हुई वीडियो को यहाँ पर डायरेक्टली इंपोर्ट कर लेना है। सो वीडियो को इंपोर्ट होने के बाद एंड में देखोगे तो एक बड़ा मार्क दिखेगा कैपकट ऐप का, तो उसे सिंपली से डिलीट कर देना है। ओके, तो एंड जो वीडियो का साउंड है उसे भी ऑफ कर देना है। ओके, साउंड ऑफ हो जाने के बाद गाइस, इसके बाद आपको अपना एक पर्सनली साउंड ऐड करना होगा जो भी आपने डाउनलोड किया होगा। ओके, तो मैंने जो डाउनलोड किया है वो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है, ऐसा कि आप लोग देख पा रहे हो। ओके, तो इतना कर लेने के गाइस बाद गाइस, अब अपन अपनी वीडियो को स्लो मोशन देंगे, क्योंकि स्लो मोशन के बिना वीडियो में मज़ा ही नहीं आता। तो सिंपली स्पीड ड्यूरेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, एंड यहाँ पर आपको कर्व करके एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करोगे और उसके बाद एक और ऑप्शन दिखाई देगा आप लोगों को, कस्टम वाले ऑप्शन, तो उस पर भी आपको चूज़ कर लेना है। एंड सिंपली से तो इतना होने के बाद गाइस, आपको एक ग्राफ दिखाई दे रहा होगा, तो उस ग्राफ को कैसे सेट करना वो मैं बता रहा हूँ। देखो गाइस, अपने हिसाब से तो आपको ही सेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी वीडियो जिस तरह से मैं अपनी तरह से सेट करूँगा और आपकी जो वीडियो होगी वो आप अपनी तरह से सेट करोगे, ठीक है। तो मैं अपनी वीडियो को, मेरे को जहाँ से स्लो मोशन चाहिए अपने बॉय को जो मेरा मॉडल होने वाला है, तो मैंने उसको वहाँ से स्लो मोशन दे रहा हूँ। ओके, तो आप लोग भी अपने हिसाब से दे दीजिए, जैसा मैं ग्राफ रख रहा हूँ, ग्राफ हमेशा नीचे रहेगा तभी वीडियो स्लो मोशन होगा, इतना बस ध्यान में रखिएगा। ओके, तो इसके बाद दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो हमने स्लो मोशन ऐड कर दिया है, अब बारी आती है हमारी VFX वीडियो ऐड करने की। तो ये जो VFX वीडियो है या साउंड है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे इजीली मिल जाएगा, आप उसे डायरेक्टली ज्वाइन करो और सारा कुछ डाउनलोड कर लो, उसमें बहुत सारा मटेरियल भरा पड़ा है बिल्कुल यूट्यूब से रिलेटेड। ओके गाइस, तो आप लोग वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो मैं अपनी वीडियो को अपनी गैलरी से चूज़ कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर ऐड होने के बाद देखो गाइस, इतना कर लेने के बाद हमारी वीडियो लगभग कंप्लीट हो गई है। तो जो कुछ बचा है वो बचा हमारी जो नॉर्मल सी वीडियो है उसमें कलर ग्रेडिंग बाकी है यार, बहुत ही ज़्यादा फीकी फीकी लग रही है। तो ओके, तो इसको जल्दी से कर लेते हैं। ओके, तो वीडियो पर बिल्कुल बने रहो गाइस, इसको मैं जल्दी से बता देता हूँ। गाइस, अगर आप लोगों से कलर ग्रेडिंग नहीं बनते हैं तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी कलर ग्रेडिंग के थ्रू वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप लोग जाकर उसे चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो जल्दी से आप हमें इसे कर लेते हैं। ओके, देखो गाइस, तो अब अपने वीडियो के अकॉर्डिंग आपका जैसा भी नेचर वाला पार्क हो या कुछ भी हो, आप लोग जैसा भी रख रहे हो ना अपने वीडियो में, तो उस हिसाब से आपकी वीडियो में जो कुछ कलर्स कम हो आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। तो मेरी वीडियो में जो कुछ कलर्स कम है मैं उसे सही से कर लेता हूँ, जो कुछ स्काई वगैरह है ना, तो मैं सारा कुछ अभी बता नहीं सकता गाइस, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको कलर ग्रेडिंग सीखनी है तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो पड़ी है आप लोग को, जैसा मैं बता चुका हूँ कि गाइस, तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। ओके गाइस, हाँ तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख पा रहे कि हमारी वीडियो बनकर रेडी हो चुकी है, तो ट्रेंडिंग ट्रांसफॉर्मर VFX रील्स वीडियो बन चुकी है गाइस हमारी वीडियो, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो गाइस, मिलते हैं ऐसे ही न्यू ट्रेंडिंग वीडियो के ऊपर। तो गाइस, अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ आपका दोस्त यश और आप लोग देख रहे हैं शानदार एडिट चैनल। तो मिलते हैं ऐसे ही न्यू वीडियो पर, राधे राधे।